नमस्कार, मैं रतीश दमामी एक बार फिर आपके सामने लाया हूं एक बड़ा खुलासा। यह पूरा मामला रिट 2021 से संबंधित है। करीब 31,000 पदों के लिए परीक्षा में लगभग 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा की अहमियत का अंदाज़ा परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिला, जहां लंबी लंबी कतारों में हजारों अभ्यर्थी अपनी बारी का इंतज़ार करते नजर आए। लेकिन परीक्षा के दौरान जिस प्रकार से एक के बाद एक कर स्कैंडल खुले, उससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। सबसे बड़ा पहलू पेपर समय से पहले परीक्षा केंद्र के बाहर पहुंचने का है, जिसकी स्क्रिप्ट अभ्यर्थियों के पास पहुंचे पेपर थे जो लिफाफे में भी खुले हुए थे, जबकि नियमानुसार ये सिलबंद होने चाहिए थे। रेट का एग्ज़ाम दिया प्रतापगढ़ गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला रोड, मेरा सेंटर था 133037, सेंटर कोड था, वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देते वक्त 2:25 पर हमें प्रश्न पत्र वितरित किए गए। वितरित करने के बाद वहाँ वीक्षक महोदय मशरूफ अहमद सर थे और एक सुनीता मैम थी। तो वीक्षक महोदय ने हमें कहा कि अभी पेपर खोलना नहीं है, जब आपको समय होगा तो पेपर खोलने के लिए कहा जाएगा। उससे पहले जब मैंने पेपर पे हाथ घुमाया तो पेपर मेरा पूरा खुला हुआ था। मैंने इसकी शिकायत भी वीक्षक से की तो वीक्षक ने भी अनभिज्ञता जाहिर की कि भाई हमें पता नहीं है, लिफाफा हमने आपके सामने खोला है और पेपर कैसे खुले आए इसका हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने वहाँ थोड़ा विरोध किया, मैंने कहा सर ऐसे पेपर खुले नहीं आते। तो उन्होंने फिर दूसरे कक्षों में जाके कुछ जांच वाँच की होगी, वापस आके मैं बोले भाई दूसरे कक्षों में भी खुले हुए। मैंने कहा सर खुले हैं लेकिन खुले आने नहीं चाहिए पेपर। रीट का पेपर मैं कोई पहली बार नहीं दे रहा हूँ, मैंने चौथी बार पेपर दिया है, कभी भी पेपर खुला नहीं आया। सील जब आती है पेपर पे तो हमें ही खोलनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पर पेपर की सील खुली हुई थी। इसका मैंने थोड़ा और विरोध किया तो एक दो अधिकारी आए और वो आके थोड़ा अलग ही रुआब में मेरे से बात की और बोला कि तू ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, तेरे अकेले का तो है ही नहीं, इन सबके पेपर खुले हुए हैं ये हैं। तो मैंने कहा सर ऐसा होता नहीं है, पेपर कभी खुला हो ही नहीं सकता है। तो फिर वहाँ केंद्राधीक्षक महोदय आए, उन्होंने मेरे को बोला कि भी तू अकेला इतना विरोध कर रहा है, सबके पेपर खुले हैं, हमारे पूरे सेंटर पे पेपर खुले हैं और तू अकेला विरोध कर रहा है, मैं दूसरों का टाइम ख़राब कर रहा है। मैंने कहा सर टाइम ख़राब करने की क्या बात है, सबके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ मैं, पेपर कभी खुले नहीं आते हैं, पेपर हमारे खुले क्यों हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि जब इसकी शिकायत देनी है तुम्हारे को तो फिर जो एक बार पेपर दे दो और उसके बाद शिकायत दे देना। मैंने पेपर देने के बाद जब मैं ऑफिस की तरफ बढ़ा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये खामियां है, एक तरफ डोडासरा साहब कह रहे हैं कि पेपर खुले